mais loin de la maison personnelle. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आपका देवाशीष मावती। आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं राही कहानी को लेकर के, और इसके साथ हम देखेंगे कि कहानी का यूजीसी नेट के अंदर हमारे जितने भी पाठ्यक्रम के अंदर, सिलेबस के अंदर जितना भी ये हो रहा है वो क्या करना, उसको जो है ये करेंगे। तो इसके ऊपर देखेंगे कि हमारा यूजीसी नेट के अंदर, जेआरएफ के अंदर राही कहानी के ऊपर आज जो है नजर डालेंगे। तो राही कहानी किसने लिखा था वो देखना पड़ेगा। पहले तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी कब, उनका जन्म और मृत्यु को उसके ऊपर देखेंगे। जन्म उनका हुआ था 1904 के अंदर, और 1904 में उनका जन्म हुआ था, उनका मृत्यु हुआ था 1984। तो उनका लगभग 88 कहानियां, कविताएं, 88 कविताएं और 46 कहानियां प्रकाशित हुई। उसके साथ बिखरे मोती 1932 में बिखरे मोती जो है प्रकाशित हुआ, यह कहानी संग्रह है उनका। और 1934 में उन्मादिनी प्रकाशित हुआ। 1947 के अंदर सीधे साधे चित्र जो है प्रकाशित होता है। तो उनका यह पूरा जीवन काल के अंदर उन्होंने क्या लिखा, राही कहानी के ऊपर प्रकाश डाला। राही कहानी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी 1947 में लिखी थी। कब लिखे थे, 1947 में। एक सुप्रसिद्ध कहानीकार और कविताएं उनका देखने को मिलता है। उनका जो कट्टरवादी दृष्टिकोण क्या होता है उनके सामने, हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो इस कहानी को पढ़ने में जो मजा है, आज सिर्फ उसका सारांश देखेंगे, सारांश को लेकर के उस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं इस कहानी के पात्र के अंदर। कहानी के पात्र कितने हैं, सिर्फ दो कहानी के पात्र हैं। कितने कहानी के पात्र हैं, दो कहानी के पात्र हैं। एक का नाम है राही और एक का नाम है अनिता। क्या, एक का नाम है राही और एक का नाम है अनिता। तो ये राही क्या थी, एक गरीब स्त्री थी, गरीब औरत तो नहीं बोलते, गरीब महिला थी। क्या थी, गरीब महिला थी। और ये जो अनिता थी, अमीर घर की महिला थी। क्या थी, अमीर घर की महिला थी। और ये जो देश के लिए, किसके लिए, देश के लिए अपना कर्म, देश के ऊपर कर्म करना या सत्याग्रह करना उनके ऊपर, उन्होंने इस सभी के ऊपर काम किया। तो कहानी की समीक्षा देखेंगे, इसके ऊपर हम देखेंगे गरीब स्त्री क्या कर रही है और अमीर घर की महिला क्या कर रही है। राही एक जो है कहानी के समीक्षा के अंदर, इन दोनों पात्रों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। इन दोनों पात्रों को लेकर के हम जब चर्चा करेंगे, गरीबों के पीड़ा का वर्णन यहाँ पे क्या हुआ है, तो गरीब का पीड़ा यहाँ पे वर्णन किस तरह से हुआ है वो पहले देखेंगे। गरीब का पीड़ा मतलब, जब राही की छोटी सी बच्ची थी, उस छोटी सी बच्ची का ही कि उसको भूख लग रहा था। भूख लगने के कारण ये राही या ये गरीब स्त्री भूख के कारण चोरी करती है, और वो पकड़ी जाने के वजह से वो क्या होती है, जेल में जाकर के बंद हो जाती है, जेल में उसको बंद कर दिया जाता है। और यहाँ पे एक जो अनिता थी, ये सत्याग्रहियों का एक ऐसी दोलमाल हुआ था, या कुछ ऐसे अनुवाद, कुछ अभावपूर्ण, या देश के जो सत्याग्रह होते हैं उसमें भाग लेकर के वो भी जेल गई थी। इन दोनों का मिलन होता है या भेंट होता है कहाँ पे, जेल के अंदर। तो ये जो राही थी वो चोरी करते हुए पकड़ी गई और उसको जेल ले जाया गया।
तो यहाँ पे क्या हुआ, एक आदमी एक औरत क्या हो रही है कि भूख के लिए चोरी करती है। इसके लिए चोरी करती है, सेकंड नंबर पॉइंट में जो है भूख के लिए चोरी करती है, और वो क्या कहाँ चली जाती है, जेल के अंदर। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, अभावपूर्ण स्थिति देखने को मिलता है हमको। 1947 में साहित्य क्या होता है, साहित्य होता है समाज का दर्पण। हम अगर साहित्य पढ़ते हैं, जिस समय लिखा गया था उस समय का वातावरण को प्रस्तुत करता है। हम जैसे दर्पण के सामने खड़े होने से क्या होता है, हम अपना छवि देख सकते हैं, उसी तरीके से साहित्य भी क्या होता है, हम उसी समाज का पूर्ण रूप हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं, सत्याग्रहियों और लुप्त व्यक्तियों का चित्र। यहाँ पे एक आदमी चोरी करके जाता है जेल, तो एक आदमी को इसको जो है जब चोरी करके जाता है इसको बी ग्रेड जेल में डाला जाता है, और यहाँ पे लुप्त व्यक्तियों को का चित्रण, यहाँ पे लालची लोगों का चित्रण यहाँ पे देखने को मिलता है। जब लालची लोगों का चित्रण देखने को मिलता है यहाँ पे, हमारा भाव क्या होता है, ये बी ग्रेड जेल में रहती है, उसके परिवार वाले उसको आगे लेकर के उसको ए ग्रेड जेल में रख देते हैं, लेकिन उनके अंदर जब बातचीत होता है तो मैं कुछ किए बिना भी जेल में आ गई हूँ और मुझे मिनिमम भी 6 साल का जेल हुआ है। तो ये एक अमीर घर की लड़की होने की वजह से बी से ए चली गई, बी से कम सुविधा मिलता है, ए में थोड़ा ज्यादा सुविधा मिलता है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों के अंदर समानता देखने को नहीं मिलता, इक्वलिटी देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश किया गया है, ये तो बी में ही रही, लेकिन ये बी ग्रेड जेल से ए ग्रेड जेल में कन्वर्ट हो गई। किसके वजह से, उनके परिवार की वजह से, फैमिली की वजह से ये बी ग्रेड से ए ग्रेड में चली गई। और नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बातचीत करते हैं, गरीबों का कष्ट निवारण। जब राही अपना सब कुछ बयान करती है, जब हम कहानी का अच्छी तरीके से सारांश देखेंगे, कहानी को हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पे जो राही है वो गरीब होने के साथ साथ भी एक अच्छे व्यक्तित्व को प्रेजेंट करने वाली है। लेकिन यहाँ पे जो अनीता है, अनीता इस तरह का स्वभाव नहीं रखती, अपने आप को दिखावा करने के लिए एक दो बार जेल जाकर आने के बाद मेरा सुप्रसिद्ध नाम हो जाएगा, इस वजह से वो इस तरह के भाव से प्रेजेंट होती है। लेकिन राही से बात करने के बाद उसका जो है पूर्ण मानसिकता बदल जाता है, देश के प्रति सच्चा प्रेम यहाँ पे व्यक्त हो जाता है। किसके अंदर, हमारे कहानी के पात्र अनिता के अंदर, कहानी के पात्र अनिता के अंदर सच्ची देशभक्ति के ऊपर उसका जो है बदलाव देखने को मिलता है। पहले उसके अंदर जो झूठा देश प्रेम था, अब जो है सच्चा देश प्रेम उसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये संपूर्ण कहानी का सारांश हम देखें, उनके सुभद्रा कुमारी चौहान जी कितने निडरता के साथ ये कहानी को लिखते हैं। तो सच्ची देशभक्ति अलग है और झूठे देशभक्ति अलग है। इस तरह से जब राही के साथ परिचित होता है, राही के साथ बातचीत होता है, तो उनका क्या होता है, उनका बदलाव अलग होता है। यहाँ पे हम नेक्स्ट लास्ट इसमें से देखने को मिलता है, सबसे उनका व्यक्तित्व किस तरह से बदलता है। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। जो आदमी इस कविता ये कहानी को पढ़ने के बाद हमारे मन में एक मानवता की भाव व्यक्त होता है। मानवता की भाव कैसे व्यक्त होता है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म होता है। गरीबों का शोषण किए बिना उनका उपकार करना ही मनुष्य का परम धर्म है, ये भाव हमारे अंदर होना जरूरी है। तो ये कहानी को हम जब पढ़ लेंगे हमारे माइंड में पूरा स्पष्ट आ जाता है, एक चित्र अंकित हो जाता है उस 1947 के का एक दौर। तो हमको निश्चय पढ़ना चाहिए। तो उसके साथ साथ मैं आपके सामने पूरी तरीके से उसका सारांश रख लिया, एक दिन पूरी कहानी को आपके सामने पढ़ करके सुना दूंगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को यूजीसी नेट हिंदी का इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है इस वीडियो को और आगे की ओर संप्रेषित करना है। और अगली कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगा। मैं देवाशीष महावती आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते।